नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम आज छोटा सा गन का मॉडल बनाना सीखेंगे, क्योंकि इसमें हम जो गन नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसकी बुलेट बनाएंगे और उसको ट्रिगर देंगे ताकि वो आगे की तरफ जाए। जो हमारी नॉर्मल्स जो बुलेट होती है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है। आप कोई भी रिफिल ले लीजिएगा। रिफिल लेने के बाद उसकी जो निब होती है आगे की, जो लोहे की होती है या फिर मेटल की होती है, उसको हम यूज़ में करेंगे बुलेट की तरह। इसको आप खाली कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर इंक होगी। इंक को हमें निकालना है, क्योंकि इंक निकालने के बाद ही हम इसके अंदर बारूद डालेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको निकालना है और इसको एकदम खाली करना है। यानी कि आप इस इंक निकाल के कपड़े से पोंछ लीजिएगा इसको, और कोई भी जो तिल्ली होती है, झाड़ू की तिनकी होती है, उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और साफ़ करने के बाद आप इसको रख दीजिए, और एक माचिस की तिल्ली लीजिए। आप कोई भी माचिस की तिल्ली ले लीजिए, और उसकी माचिस तिल्ली के ऊपर जो मसाला लगा हुआ होता है, ये इसी से ही हम हमारी गन है, हमारी जो बुलेट है वो आगे भागेगी। इसका जो मसाला है उसको आप स्केच करके निकाल लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। इस तरीके से इसको आप माचिस तिल्ली में से निकाल लीजिए, और इसका जो पाउडर है उसको हम बुलेट के अंदर भर देंगे। जो हमारी निब है, काफ़ी छोटी निब है, काफ़ी परेशानी आएगी आपको इसमें भरने में। और ये निब एक बार चलने के बाद दोबारा भी आप इसको चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा भरना है, ज़्यादा नहीं भरना, यानी इसके अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर बारूद पहुँच जाना चाहिए। और उसके पहुँचने के बाद इसके अंदर जो तिल्ली होती है, उससे इसके छेद को बंद करना है। अच्छी तरीके से आप इसको टाइट बंद कर दीजिएगा, और टाइट बंद करने के बाद आप इसको माचिस से इसको आगे से आग लगाइए। क्योंकि दोस्तों, जैसे ये निब गर्म होगी, गर्म होते ही इसके अंदर का जो बारूद है वो जलेगा, और जलने के बाद ये विस्फोट होगा। विस्फोट होते ही आगे निब है वो आगे की तरफ भागेगी। दोस्तों, इसको सामने से आप ना चलाएं, इसको पीछे से ही चलाएं। देखिए दोस्तों, मैं इसको स्लो मोशन में भी दिखा दूंगा आपको। साउंड ऑन कर लिया, इस तरीके से साउंड आएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करिएगा कैसा लगा मेरा टॉपिक। ये उसका निशान है निब का, कागज़ के ऊपर टकरा के गई थी।